नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दिव्यांग न्यूज चैनल के हेल्थ प्लस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में एक विशेष डॉक्टर्स उपस्थित हैं और बात करेंगे हम मनोचिकित्सा पर। तो मेरे साथ में जुड़ी हुए डॉक्टर नमिता गांजावाला और डॉक्टर नीरव मेहता। तो दोनों महानुभव का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और हेल्थ प्लस कार्यक्रम में आज मनोचिकित्सा के बारे में हम बात करेंगे। तो मनोचिकित्सा ऐसा एक क्षेत्र है कि आज की जो तेज तरह जिंदगी है उसमें जो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज विशेष इनको यहाँ पर बुलाया गया है। खास करके बच्चों के जो किस्से हमारे सामने आते हैं उनके बारे में थोड़ा हम इनसे बातचीत करेंगे, कुछ संवाद करेंगे और समझेंगे अलग अलग परिस्थितियों में ये जब बच्चे जो फेस करते हैं उनको कैसे उसको एड्रेस किया जाए, उनका समाधान कैसे लेकर आए। तो मेरा सबसे पहला सवाल आप दोनों से है कि अक्सर ये देखा गया है कि आजकल ये बहुत प्रॉब्लम रहता है बच्चों में, खास करके कि जो सेल्फ एस्टीम है उनका बड़ा डाउन होता है, क्योंकि एक तो घर की परिस्थिति इतनी बुरी होती है और ख़ास करके जो दिव्यांग बच्चे हैं, एक तो उनको बोझ मानते हैं, समाज उनको बोझ मानता है, माँ बाप, कई माँ बाप, मैं नहीं बोलता हूँ कि सब माँ बाप, लेकिन कई माँ बाप उनको बोझ मानते हैं कि भाई ये एक श्राप है जो हम पर भगवान ने दिया है। तो उनका जो घर का माहौल होता है, उस घर के माहौल में या तो एक बिना बाप का बच्चा हो, बिना माँ का बच्चा हो, या माँ बाप हैं लेकिन बाप कुछ शराब पीता हो, तो बच्चा धीरे 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 अपने आप में एक ऐसे ट्रॉमा में चला जाता है, वो अपने आप में उसका सेल्फ एस्टीम खो बैठता है और एक शेल में चला जाता है। अब ये बच्चा जब स्कूल में जाता है तो स्कूल के अंदर टीचर बहुत, बच्चा पहले तो बहुत स्ट्रगल करता है, उसके बाद टीचर उसके साथ स्ट्रगल करती है। तो ये सिचुएशन में वो बच्चा एकदम बेवकूफ़ है या इडियट है, ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए जाते हैं, तो ये बच्चा और अंदर शेल में चला जाता है। तो ये ऐसी जो विकट परिस्थिति है और ये जो विडंबना है उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए, आप एक मनोचिकित्सक, तो मैं ये एक प्रश्न आपसे पूछूंगा कि ये परिस्थिति में उसको, उस बच्चे को या उस माता पिता को या टीचर को हम क्या बता सकते हैं कि इसका समाधान कैसे लेके। हाँ, आपने जो प्रश्न किया वो बहुत योग्य प्रश्न है। ज़्यादातर हम एबनॉर्मल यानी दिव्यांग बालकों के साथ भी काम करते हैं, जो हमारे क्लिनिक में आते हैं उसमें ज़्यादातर हम गुजरात में पढ़े हैं तो ज़्यादातर लोग बच्चे को डफो और डोबो ऐसा बोलते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि बेसिकली बच्चे एक जो आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, शेल में चले जाते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि बच्चों को पहले एक रैपो बनना चाहिए बच्चे के साथ, डॉक्टर का या काउंसलर का जो भी हो। उसी तरह अगर आप उनको टीचर के साथ हम इस्तेमाल करें कि भाई टीचर के साथ उनका इंटरेक्शन कहना हो कैसा होना चाहिए, तो बेसिकली उनको एक प्रोत्साहन मिले, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए। जितना आप बच्चों को सुनोगे, एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं उसको, जितना आप उनको सुनोगे वो आपके साथ सहज हो जाएंगे और सहज होने के कारण वो धीरे धीरे खुलेंगे और उनके साथ फिर इंटरेक्शन जितना करोगे उतना फ़ायदा होगा। तो बेसिकली बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना, टीचर हो या माँ बाप हो, वो बहुत ज़रूरी है। और उनको एक शब्द है टोकन इकोनॉमी, कि भाई कुछ भी अच्छा करे तो उनको प्रोत्साहित करो, अप्रिशिएट किया जाए, अप्रिशिएट करो। और दूसरा, अगर समझो कि वो कुछ गलत काम करते हैं या तो कुछ गलती कर देते हैं तो बेटर अवॉइड दो, उनको अवॉइड करो। और कोई भी तरह की ऐसे जो पनिशमेंट बोलते हैं कि जो हम बार बार हम अपने बचपन में लिया करते थे वो नहीं करनी चाहिए। ये मतलब जब तक काउंसलिंग माँ बाप का भी होना चाहिए, टीचर का भी होना चाहिए, क्योंकि ये समझ जब तक उनमें नहीं आती है तब तक वो बच्चों को रॉन्गली एड्रेस करते हैं। तो एक तो ये, एक दूसरा एक सवाल मेरे जहन में है इसलिए मैंने पूछा, थोड़े पहले भी हमारी इसके बारे में बातचीत हुई सर्व शिक्षा अभियान के, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, एक ऊपर ओवरऑल हम सिनेरियो दिखाते हैं कि सरकार चाहती है, हम सभी चाहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए हर एक बच्चों को, हर एक विद्यार्थी को, पर ये पॉलिसी बढ़िया है लेकिन नॉर्मल स्कूल के अंदर एबनॉर्मल बच्चे अगर जाते हैं तो वो पढ़ाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं कि समझो एक ऑटिस्टिक बच्चा एक क्लासरूम में होता है तो टीचर उसको एड्रेस नहीं करा, वो एक भी मिनट बैठता नहीं है बच्चा, तो सारे पूरा क्लास को डिस्टर्ब कर देता है।
तो हम मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि ये सिचुएशन में अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आगे क्या करना चाहिए, इसको किस तरह एड्रेस कर सकते हैं, एक एक जनरल परव्यू। देखो ये आपने जो भी बताया ना, इट इज रियली अ डिबेटेबल इश्यू, कई लोग मानते हैं कि बच्चों को साथ में ही पढ़ाना चाहिए, पर साथ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि स्पेशल बच्चों को हमें स्पेशल स्कूल में ही डालना चाहिए। अभी ये तय करना है ना, वो बच्चे का लिमिटेशंस क्या है, हम बच्चे का डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है, अगर बच्चे का बॉर्डर लाइन IQ है या तो माइल्ड, जिसको मेंटली चैलेंज बोलते हैं, ऐसे बच्चे हैं वो 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड तक बहुत अच्छे से नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ लेते हैं। हाँ, उनको प्रॉब्लम आती है जब 9th, 10th का क्लास आता है, जब एजुकेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, टफ हो जाता है, तब शायद वो कोप अप नहीं कर पाए, पर ऐसे बच्चों को तब तक हमें नॉर्मल स्कूल में रूटीन बच्चों के साथ ही पढ़ाना चाहिए। लेकिन जो बच्चे जिनका IQ बहुत कम है, जिनको हम सीवियर या प्रोफाउंड मेंटली चैलेंज बोलते हैं, उनको नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना इज बहुत डिफिकल्ट, है ना, वो पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्लास का जो पेस है वो उसे हाँ, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल इज अ गुड आइडिया। और कुछ बच्चे हैं जैसे कि जिनको ADHD है, ठीक है, बहुत हाइपर है, उनका डायग्नोस अगर हो जाए तो उनको हम मेडिकली भी हैंडल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, ताकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सके। Correct. हमने कई बार देखा है कि बच्चा बहुत हाइपर है, नहीं बैठ पाता है, वंस यू स्टार्ट उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करो आप, फिर वो बहुत रिलैक्स हो जाता है, उसका अटेंशन इम्प्रूव होता है, कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होता है, और वो शायद नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा भी स्कोर कर सके। करेक्ट करेक्ट। सो इट डिपेंड्स कि बच्चे का डायग्नोसिस क्या है, वो देख के हमें तय करना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। तो पता चलता है कि किस दिशा में उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक बात हुई, लेकिन हम एक सिचुएशनल बात करेंगे, परिस्थिति के अनुसार कुछ बात करेंगे। कहीं कई जगह पे माँ बाप पीड़ित हैं, कहीं टीचर पीड़ित है, कहीं कहीं बच्चे पीड़ित हैं, तो अलग अलग सिचुएशंस की अगर हम बात करें तो एक एक करके मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपको, आपके हिसाब से उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उसका समाधान लेके आए, ये आप बताइएगा। तो किसी माता पिता का एक सवाल है कि मेरा बेटा 8 साल का है और सेरिब्रल पाल्सी है, उसको यदि ग्रुप में रखते हैं तो वो गुस्सा करता है, चिल्लाता है, मारामारी करता है, जिद करने लगता है, और आपके अनुसार उसका क्या करना चाहिए, क्या समाधान। पहले तो मैं चाहता हूँ कि सेरिब्रल पाल्सी के बारे में थोड़ा सा आप अगर दर्शकों को बता सके तो। सेरिब्रल पाल्सी एक बच्चों का रोग है कि जो जन्म के समय कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कुछ बर्थ ट्रॉमा हो जाए, या जन्म के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, बच्चा देरी से रोए, तो सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। Correct. तो सेरिब्रल पाल्सी अकेले भी हो सकती है, और सेरिब्रल पाल्सी और भी मनोविकारों के साथ हो सकती Correct. है, जैसे ADHD हो सकता है, ऑटिज्म हो सकता है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज बोलते हैं। तो ये बच्चों में समझ की जो प्रमाण है वो थोड़ी कम होती है। तो हम ऐसा मानते हैं कि उनको कई बार जजमेंट का भी प्रॉब्लम होता है, वो जज नहीं कर पाते कि मुझे कैसा वर्तन करना है। तो यहाँ पर हम ऐसा मानते हैं कि अगर वो गुस्सा करे, समझो कि वो बहुत हाई गुस्सा करने लगे, तो उनको थोड़ी देर के लिए अलग रखो। पहले तो शुरू में मैं ऐसा मानूंगा कि पहले थोड़े थोड़े ग्रुप में इंट्रोड्यूस करो, कि पहले 2 लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करो, फिर 4 लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करो, बाद में ग्रुप में डालो, क्योंकि तभी उसका सोशल बिहेवियर चेंज होगा। अगर वो समझो कि फिर भी सबके सामने गलत तरीके से व्यवहार करता है, तो उसमें हम ऐसी एडवाइस देंगे कि उनको अलग जगह पे, एक जगह पे रखो, जहाँ पे वो शांति से थोड़ा रिलैक्स हो सके, उसको रिलैक्स करो, तो उसको लगेगा कि जब भी मैं ऐसा बिहेवियर करता हूँ तो मुझे थोड़ा अलग कर दिया जाता है, तो उसको एक तरह का नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट मिलेगा। तो आइसोलेशन विल गिव, हाँ। फिर दूसरा हम ऐसा मानते हैं कि समझो कि वो धमाल कम कर दे, तो उसको फिर ग्रुप में इंट्रोड्यूस करो, और उसको एक टोकन इकोनॉमी, उसको स्टार दो, जैसे हम स्कूल में देते हैं, एप्रिसिएशन के अलग अलग तरीके हैं। और ग्रेजुअली हमको उसको ऐसे ग्रुप में रखने का सेंसिटाइजेशन करना चाहिए। और मैं मुद्दा यही बोलूँगा कि कभी भी वर्बल और फिजिकल पनिशमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दैट विल मेक वो बच्चे को एक गुनहगार जैसा बना देगा कि इससे ज़्यादा आप क्या करोगे।
खून तो नहीं निकालने वाले, शब्दों के बाण से मतलब दूर रखना है उससे, खून तो नहीं निकालने वाले हैं। करेक्ट, मतलब पेशेंस की बहुत जरूरत, पेशेंस की बहुत जरूरत है। ये एक मुद्दा था, लेकिन वो मेरे ख्याल से हमने ऑलरेडी, चाहे बच्चों को नॉर्मल स्कूल में रखे या स्पेशल स्कूल में, तो ये भी एक डिबेटेबल मुद्दा है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखो, डिबेटेबल मुद्दा है, लेकिन मैं दो कैटेगरीज में इस करूँगा कि समझो कि मेंटली चैलेंज है, मेंटली दिव्यांग है, तो मैडम ने जैसे बताया कि वो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसको तो नॉर्मल स्कूल में रखने में कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, लेकिन नॉर्मल बच्चों को के साथ उसका इंटरेक्शन अच्छा रखने के लिए वो पीड़ित नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, फिजिकली दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको चिढ़ाते हैं लोग, नॉर्मल बच्चे, तो उसका वो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ जाके और सेल में नहीं चला जाए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो टीचर को या स्कूल अथॉरिटीज़ को ये ध्यान रखना है कि फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं तो भी उनकी एक तरह की मानसिक रैगिंग होती है कि ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसको कर्टेल करना चाहिए, कर्टेल करना चाहिए, वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। अब एक डॉक्टर नमिता से मैं पूछूंगा कि बच्चों को यदि धक्का दे तो वो खुद थोड़ा चलता है, ऐसे ऐसे अच्छा। कई सिनेरियोज होते हैं कि उसको पुश करना पड़ता है उसको चलने के लिए, तो लेकिन ज़्यादा जोर देने के कारण वो विचलित हो जाता है, तो उसे चलने के लिए जोर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपका क्या मानना है? देखिए सर जी, इसमें ऐसा है ना कि हमने जो देखा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको हम बोलते हैं कि थोड़ा सा भी पुश करो तो वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं। आपको पहले जानना पड़ेगा कि आपके बच्चे की जो टेम्परामेंट है वो कैसी है, ठीक है? अगर बच्चे का टेम्परामेंट ऐसा है कि पुश करने से वो थोड़ा बहुत कर लेता है, और ये फिजिकल पुश नहीं है, ये मेंटल पुश है, मेंटल पुश है, तो आप उसको पुश करिए। पर ज़्यादातर हमने ऐसा देखा है कि एक हद से ज़्यादा उसको बोलते रहने से, कहते रहने से उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है, बच्चे अपोजिशनल हो जाते हैं। अपोजिशनल मतलब आप जो बोलोगे वो तो करेंगे ही नहीं, उससे उल्टा करेंगे, ठीक है ना? और स्पेशली जब हमारे बच्चे दिव्यांग है, चैलेंज्ड है फिजिकली या मेंटली, तो उनमें ऐसा होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उनका सेल्फ एस्टीम लो हो सकता है, ठीक है, इन्फीरियोरिटी हो सकती है। तो हम नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप उनको बहुत पुश करो। देखिए, हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है, कनुभाई टेलर को ही देखिए, ठीक है ना? उन्होंने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया है, वो पद्मश्री है, आई डोंट थिंक किसी ने उनको पुश किया होगा, ठीक है ना? यस, अपने आप से वो आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें बस उनको उतना ही मोटिवेट करना चाहिए कि वो जितना करना चाहे कर सकते हैं। तो ये एक अननोन वे में लर्निंग अगर करवाना हो बच्चों को, तो मैं मानता हूँ कि अगर टीचर्स वेल इक्विप्ड हो, उनका एक सही तरीके से ओरिएंटेशन आता है, क्योंकि हर एक बच्चा एक, मैं तो मानता हूँ हर एक बच्चा एक टीचर होता है, टीचर उसको पढ़ाती है, लेकिन वो बच्चा भी टीचर को पढ़ाता है। True. तो हर एक बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग होती है, तो उसको जिस तरह से आप उसको परोसोगे तो नहीं पढ़ेगा, तो उसको क्या अच्छा लगता है उसके हिसाब से उसको परोसोगे तो वो ज्यादा कैप्चर करेगा, तो ही उसके साथ आपका रेपो भी बनेगा, वरना वो पुश करने से रेपो नहीं बनेगा और वो धमाल ही करेगा। कई कई बार ऐसा होता है कि समझो साइंस है, मैथमेटिक्स है, एक अलग स्टाइल में अगर बच्चों को उसको पता नहीं चलता, चलना चाहिए कि हम ये मुझे पढ़ा रहे हैं, आप खेल के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से कई चीज उसको सिखा सकते हैं, तो वो एंजॉय जब करेगा बच्चा तो उसका ऑटोमेटिक लर्निंग होता रहेगा। yes. तो ये अलग अलग तरकीबें हैं जो ये ओरिएंटेशन मांगती है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्कूल हैं, जो दर्शक मित्र हैं, तो ये चीज़ उनमें हमको उभार के लेके आनी चाहिए, तभी जाके ये प्रॉपरली एड्रेस हो पाएगा। मैं एक बात करना चाहूँगा कि अगर आप कछुए के साथ चलते हो तो कछुए की पेस पे चलना चाहिए, और अगर ससले के साथ चलते हो यानी खरगोश के साथ, तो रैबिट के साथ चलते हो तो उसके साथ चलना चाहिए, तो बच्चे भी दोनों इसी तरह के होते हैं। वो पेस जो है, पेस, वो वी हैव टू फाइंड आउट द पेस, उनका टेम्परामेंट बेसिकली क्या है वो समझ के हमें उनके साथ डील करना है। तो ये टीचरों को ये बहुत बड़ा विषय है, पर ये ओरिएंटेशन उनमें लाना ये तो मैनेजमेंट का काम है, और ये सरकार का भी इतना ही दायित्व है कि भाई इसमें कुछ बहुत बड़ा सुधार लेके आए। नमिता जी से मैं पूछूंगा, एक पिता कहता है कि मैं उसका पिता हूँ, उसकी माँ नहीं है। okay. एक ऐसा सिचुएशन है, okay. लड़की 13 साल की है और वो मेरे साथ सोने की जिद कर रही है, क्योंकि बच्चा है, क्योंकि उसकी मानसिकता yes. बच्चों जैसी होती है, yes. और बिकॉज उसकी माता नहीं है और एक दिव्यांग है, तो उसको नहलाने की जवाबदारी भी पिता
पिता के ऊपर आ जाती है। तो प्यूबर्टी अचीव करने के बाद और एक एडल्टहुड में जब पहला प्रवेश होता है बच्चे का, तो क्या मानते हो इस सिचुएशन को कैसे एड्रेस किया? इस सिचुएशन में हम ऐसा बोलेंगे फादर को कि दिस इज रियली हाई टाइम कि आप अपनी बच्ची को जो सेक्सुअलिटी नॉलेज है, ठीक है, वो देने की शुरुआत करें। करेक्ट। आई वुड तो सजेस्ट कि बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, 11-12 साल की उम्र में जब वो और छोटी थी। पॉसिबल हो तो बहुत शुरू से ही आपके साथ उसको मत सुलाइए, ठीक है, क्योंकि आपकी उसकी मम्मी भी नहीं है। या तो आप एक अगर कमरा शेयर कर रहे हो तो जब तक वो सो जाए तब तक बैठिए उसके साथ, फिर आप दूसरे रूम में चले जा सकते हैं। उसका कंफर्टेबल जो उसका कम्फर्ट, हाँ, धीरे धीरे उसको आदत डालिए कि वो पापा से अलग भी सो सकती है, ठीक है। और आई थिंक घर में और कोई फीमेल हो, भाभी हो, आपकी बहन हो, मम्मी हो, ठीक है, आप उनकी हेल्प ले सकती है। जो आपकी बेटी को अभी उसके अंदर आ रहे चेंजेस, ठीक है, प्यूबर्टी में उसके अंदर चेंज आते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स के दौरान क्या ध्यान रखना है, सैनिटरी पैड कैसे यूज करना है, वो सब चीज़ों के बारे में वो उनको धीरे धीरे समझा, है ना। कई बार क्या होता है कि शुरू शुरू में बच्चा रेजिस्ट करता है, वो धमाल करेगा, जीत करेगी, उसके लिए आप एक बहुत बड़ा चेंज है उसका बायोलॉजिकली, बहुत बड़ा चेंज है उसके बॉडी में, तो पर ग्रेजुअली हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। एंड आप उसके साथ थोड़ा डिस्टेंस करके उसकी एज के हिसाब से डील करना आप उसको सिखा सकते हो। करेक्ट। एक दूसरा सिचुएशन, एक लड़का है 15 साल का हुआ है, अड़ोस पड़ोस की लड़कियों से बात करता है, उनके घर चला जाता है, उनके साथ बात करने की जिद करता है। तो नीरव साहब से मैं पूछूंगा, डॉक्टर नीरव से, कि भी ये सिचुएशन में, क्योंकि एक हार्मोनल चेंज जब होता है इट इज़ बट नेचुरल, कि एक टीनेज का जो टेंट्रम्स होता है इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि एक अदर मेल फीमेल अट्रैक्शन जब होता है, तो ये सिचुएशन में इसको माँ बाप कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हमको गाइड। मैं दो नज़रिए से इसको देखूँगा कि अगर 15 साल का बच्चा है तो वो फिजिकली दिव्यांग है और दूसरा मेंटली दिव्यांग है। तो फिजिकली दिव्यांग है, उसका दिमाग और जजमेंट वो अपने आप का इस्तेमाल कर सकता है। तो बेसिकली नॉलेज जो होता है बच्चों को कि भाई आपको ये मेल है या फीमेल है, वो आकर्षित होगा। तो अगर उसका मेंटल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट बराबर है तो हम उसको स्ट्रिक्टली ना बोल सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको ये लिमिट रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसका मेंटली चैलेंज बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, तो उसको इनहिबिशंस नहीं होते। बेसिकली वो अपने आप को जो हम रोकते हैं कि भाई अच्छा हमको ये नहीं करना है, तो उसके इनहिबिशंस नहीं होते। तो हमको कई बार फोर्सफुली वो चीज़ कम करनी पड़ेगी, थ्रू अ वे ऑफ ऐसा करना पड़ेगा कि उसको कंडीशनिंग मिले कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। बेसिकली कंडीशनिंग ही आएगा, बिहेवियर थेरेपी ही आएगा इसमें। और कहाँ, जहाँ पर ना बोलना है वहाँ पर तो पेरेंट्स को ना ही बोलना पड़ेगा। इन बच्चों को भी एक उम्र में सेक्सुअलिटी एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे नीरव भाई ने बताया उनका सेरिब्रल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होता है, तो इनहिबिशंस उनको नहीं रहता है, है ना। सो वी हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट। एक दूसरा सिचुएशन मैं डॉक्टर नमिता से पूछा कि हम एक माता पिता का कहना है कि हमारे दोनों बच्चे दिव्यांग हैं, लड़का और लड़की, हमें उनका लालन पालन कैसे करना चाहिए, अपब्रिंगिंग कैसा करना चाहिए, तो उनका लालन पालन सबसे अच्छे तरीके से हो उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए। ओके, आपके दोनों बच्चे दिव्यांग हैं, ओके, अभी इसमें कुछ बहुत जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट इज कि आपको हस्बैंड वाइफ को एक व्यू बना के रखना है कि कुछ चीज़ें उसी हिसाब से होगी, ठीक है। दूसरा, बच्चों, आपके दोनों बच्चे दिव्यांग हैं तो वो एक बार में नहीं सीखने वाले हैं कुछ भी चीज़ें, ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंटली उनको एक ही चीज़ बार बार सिखानी पड़ेगी, ठीक है, तब वो पेशेंस डेवलप करना है। यस, आपको उनके साथ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, जैसे हमने आगे बात की वर्बल या फिजिकल पनिशमेंट नहीं करनी है। करना चाहिए। हाँ, पनिशमेंट अलग तरह की भी आप दे सकते हो, जैसे उनको उनका कुछ फेवरेट टॉय हो वो आप उनको खेलने के लिए ना दो, या उनकी फेवरेट जो चीज़ हो खाने की वो आप उनको बना के नहीं दोगे।
मतलब उनकी अच्छी चीजें जो उनको पसंद है ना वो हमें नहीं देनी है. दैट इज अ टाइप ऑफ पनिशमेंट दैट यू कैन गिव, वो आप कर सकते हो. ठीक है, आपको बच्चे को है ना बार बार ह्यूमिलिएट नहीं करना है. ठीक है, उनके सामने रोना नहीं है, झगड़ना नहीं है कि मेरा बेटा ऐसा क्यों है या मेरे दोनों बच्चे ऐसे क्यों है. मतलब वो एजम्पशन से बाहर आ जाना चाहिए कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है. yes. ये अज्यूम करके चलना है. yes. कि बच्चे नॉर्मल ही है. yes. थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटी है वो. yes. वो आ जाएगा. yes. तो एक कॉन्फिडेंस जब माँ बाप डेवलप कर लेते हैं तो उनका टोटल एटीट्यूड चेंज हो जाएगा. वो एटीट्यूड जैसे ही चेंज होगा वो बच्चों में हुनर ऑटोमेटिक. yes. बहुत जनरल चीजें हैं वही ध्यान में रखनी है. Correct. जो रूटीन या नॉर्मल पेरेंटिंग में भी आप यही करोगे. जो स्पेशल केयर रखना पड़ता है कि उनकी जो बॉडी लिमिटेशंस है, डिफॉर्मिटीज है, वो अपनी जगह पे, बट यू ट्रीट देम एज नॉर्मल चिल्ड्रन. द मोमेंट यू स्टार्ट ट्रीटिंग देम एज नॉर्मल चिल्ड्रन तो ऑटोमेटिकली क्या है, बच्चों को हमें कभी खींचना नहीं पड़ता है, वो अपने आप बड़े होते ही. हम ही अगर बोलेंगे कि सिंपति नहीं देना है उनको, उनको एम्पैथी देना है. यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक सिचुएशन है मैडम कि एक लड़की 8 साल की है, उसके चलने में तकलीफ है. हाँ. बैसाखी लेके चलने के लिए वो मना करती है, शायद शर्म आती है उसको, पॉसिबल है. इससे उसका जीवन सीमित हो गया है. वो जिद करती है कि बिना सहारे ही वो चलेगी. तो इस सिचुएशन में क्या सलाह दोगे? आई थिंक हमने अभी भी बात करी ना, उसी प्रिंसिपल पे हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, कि उसको धीरे धीरे कैसे प्रेस करना है वो यूज करे. तो आप दूसरा ऐसा कर सकते हो कि कई बार क्या होता है कि हमारी प्रेजेंस में वो बच्ची नहीं चलेगी, अगर हम उसको कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें. ठीक है, और कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि उसको कुछ चीज़ लेनी है वो दूर पड़ी है जो उसको चाहिए, यू नो, ऐसा आपको माहौल बनाना पड़ेगा. और आप कहीं दूर हो, आप दूसरे कमरे में हो, आप वहाँ पे नहीं हो, तो उसको इच्छा करेगी कि अभी मुझे वो चीज़ चाहिए तो मैं कैसे लूँ. है ना, ऐसे करके आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं. ठीक है ना, और उसके हर एक ऐसे अटेम्प्ट पे आप उसको प्रेज करिए. उसको ये बताना ज़रूरी है कि ये बैसाखी लेके चलने से उसकी दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है. Absolutely. अगर वो घर पे बैठी रहेगी तो वो कितनी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जिएगी. तो इससे बेटर है कि इसके इस्तेमाल से वो आगे बढ़े और वो बहुत कुछ कर सकती है. सही बात, इसको मोटिवेट करना चाहिए. yes, कि yes. उसकी एक लिमिटेशन है, उसके हिसाब से अगर वो बैसाखी से चलती है तो उसके लिए सहारा एक अच्छा. हमने बाहर देखा है कितने सारे लोगों के अपने पोस्टर्स लगाए हुए हैं जिनको कुछ ना कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटी है. देखो तो, वो भी बहुत, जैसे हम हमारे वो ग्रेट साइंटिस्ट वो सिर्फ उनका दिमाग चलता था और एक उंगली चलती और उंगली चलती थी बस, है ना. हम बच्चों को ऐसे मोटिवेशनल एग्जांपल्स दे सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल कि जो लोग ऐसा यूज करते हैं सारे गैजेट्स और आगे बढ़ रहे हैं. एक डॉक्टर नीरव के लिए प्रश्न है कि एक 15 साल का एक बच्चा है. माँ बाप कहते हैं कि हम माँ बाप हमारी दिव्यांगता के लिए हमको ही जिम्मेदार मानकर हमारे साथ झगड़ा करते हैं. बच्चा का कहना है, एक बच्चा 15 साल का बच्चा कहता है कि हमारी दिव्यांगता के लिए हमको ही जिम्मेदार मानकर हमसे माँ बाप झगड़ा करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं. ये सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? 15 साल का है तो उसका उसकी दिव्यांगता के लिए बच्चा अपने आप को जिम्मेदार मानता है. तो कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप के जो बिहेवियर होते हैं वो बच्चों को प्रभावित करते हैं, पहली बात. तो उनके सामने अगर ये चीज़ की बात होती रहेगी, पहली बात, तो बच्चा हमेशा यही टॉपिक पे घिरा रहेगा. तो हमको पहले ये देखना है कि बच्चा अगर दुर्व्यवहार करता है या माँ बाप दुर्व्यवहार करते हैं, दोनों परिस्थितियाँ हो सकती हैं. कि भाई बच्चा ऐसा सोच सकता है कि भाई माँ बाप जिम्मेदार है मेरे ये व्यवहार के, मेरे ये परिस्थिति के लिए. तो हमको उसके लिए पहली बात कि हमको दोनों तरह की मानसिक परिस्थिति देखनी पड़ेगी, मदर फादर और बच्चों की. कई बार क्या होता है कि लघुता ग्रंथि उनमें बहुत होती है. तो भाई मैं इस तरीके से अलग हूँ, मैं इस तरीके से डिफरेंट हूँ. तो यही ये परिस्थिति में भी हम ऐसा बोलेंगे कि देयर शुड बी समबडी टू टॉक विद दैट चाइल्ड. वो बच्चे के साथ कोई बात करने वाला चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसकी मन की बातें बाहर आ सके. तो जैसे पहला प्रश्न था कि शेल में से बाहर निकालना है, तो इसमें भी हमको शेल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो बच्चा ये ग्रंथि में बंध गया है कि मेरी ये जो परिस्थिति है उसके लिए मेरे माँ बाप जिम्मेदार है. और जिम्मेदार माँ बाप है तो माँ बाप ऐसा वर्तन करे, क्वालिटी टाइम दे, कि जिससे बच्चे को ऐसा लगने लगे कि नहीं, चलो मैं ऐसा हूँ फिर भी मेरे माँ बाप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि माँ बाप मेरा ध्यान रख रहे हैं.
हाँ, नेगेटिव अटेंशन नहीं देना है कि बच्चा रोने लगे या कुछ ऐसा वर्तन करे कि जिससे वो नेगेटिव अटेंशन मिले। तो दोज काइंड ऑफ अटेंशन जिससे नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट मिलेगा कि भाई नहीं, बच्चा रोता है तो ज़्यादा माँ बाप ध्यान देते हैं, तो वो तरीके के वो जो अटेंशन हैं वो माँ बाप को नहीं देने हैं। एक नमिता मैडम से एक सवाल है कि मेडिकल साइंस के अनुसार दिव्यांग बालक को चल नहीं सकता, उसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा एक मिथ है, एक मान्यता है, तो उससे कैसे उसको एड्रेस किया, कोई क्या उपचार दें, आयुर्वेदिक दें, होम्योपैथी दें, या कोई लोग धागा दोरा बांध के वो करते हैं, एक अलग कहानी होती है गाँव खेल में, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? हाँ, मैं ऐसा बोलूँगी कि कई बीमारी है मेडिकल साइंस में जिनका कोई सल्यूशन नहीं है। मेडिकल साइंस की अपनी कुछ बहुत सारी लिमिटेशंस है, ठीक है, उसको क्योर नहीं कर सकते जैसे कि, तो उस परिस्थिति में माँ बाप एक अल्टरनेटिव मेडिसिन होम्योपैथ है, आयुर्वेदा है, जो नोन है, हमें पता करेक्ट, है करेक्ट। वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो चार सारी चीज़ें हैं वो फकीर या बाबा के पास जाना वगैरह, वो क्या है, हमारी मेंटल शांति के लिए है, क्योंकि तब माँ बाप को ऐसा लगता है कि कुछ तो करे कि जैसे कि बच्चा ठीक हो जाए, है ना, वो उनकी मेंटल पीस के लिए है। अगर आपको ऐसी पीस चाहिए तो आप जरूर जा सकते हो। फ्रस्ट्रेशन होता है उसको क्लियर करने के लिए। कि कई बाबा लोग क्या होते हैं कि आपके पास इस तरीके से लाखों रुपए पड़ा लेते हैं, ये पूजा करनी है, वो करनी है, इससे ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा, तो वो क्लैरिटी के साथ करना है कि ऐसे लाखों रुपए उनके पीछे पीछे नहीं खर्च करना है। इससे बेटर है कि वो रुपए आप अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल करो, उसके डेवलपमेंट के लिए। अभी मार्केट में बहुत सारे गैजेट्स मिलते हैं, यू नो, न्यूली डेवलप सारी चीजें हैं जो जिससे आपका बच्चा और बेहतर हो सकता है। सो वो चीजों पर आप ज्यादा ध्यान दो। एक डॉक्टर नीरव से एक प्रश्न है कि एक सिचुएशन है कि दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को संभालने के लिए अंदर एक दूसरे का मतभेद है उनमें और लड़ाइयाँ होती है, तो इस परिस्थिति में उनको आप क्या सलाह दोगे? मैं ऐसा मानूंगा कि लड़ाई होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये बहुत ट्रॉमेटिक परिस्थिति होती है जिसमें मानसिक परिस्थितियाँ माँ बाप की बहुत खराब होती है। नॉर्मल बच्चा जो दिव्यांग नहीं होता उसको संभालने में भी कई बार तक परेशानियां हो सकती है, उसको तो संभालने के लिए भी लड़ते हैं। तो पहली थंब रूल है कि कभी भी आपको बच्चे के सामने अपना आपा नहीं खोना है। अगर झगड़ना है तो दूसरे रूम में जाके झगड़ो, तो जिससे ऐसा लगे कि भाई बच्चे के कारण आप झगड़ रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो क्वालिटी टाइम, क्वांटिटी टाइम, तो मैं बोलूँगा कि कोई आज माँ बाप नहीं देगा, देना पड़ता है ये बच्चों में, तो प्रश्न यही होता है। तो डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि भाई बाप होता है वो ये टाइम पे ध्यान रखेगा, उसका मदर है वो इस टाइम पे एक ध्यान रखेगी, तो डिवाइडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और दोनों चीज़ों में, ये नॉर्मल बच्चों में भी ये बोलूँगा कि मैसेजेस जो हम बच्चों को देते हैं वो हमेशा माँ बाप की तरफ से एक ही होना चाहिए कि चॉकलेट देनी है कि नहीं देनी है। तो बाप बोलता है कि नहीं देनी है तो माँ को यही बोलना है कि नहीं देनी है। माँ बाप को यही ध्यान रखना पड़ेगा कि द मैसेजेस जो भी हम संदेश बच्चे को देते हैं वेरी क्लियर, और इट शुड बी द सेम, वो दोनों एक ही होनी चाहिए। नहीं तो क्या है कि सामने वाला जो ना बोलता है वो बुरा बनता है। तो अंडरस्टैंडिंग माँ बाप को डेवलप करनी पड़ेगी कि भाई ये परिस्थिति है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, ये परिस्थिति है तो उनको फॉर्मुलेट करना चाहिए कि बच्चा ऐसा बिहेव करे तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा बिहेव करे तो ऐसा करना चाहिए। मोर ऑफ नॉर्मल पेरेंटिंग में भी जो रूल्स होते हैं या जनरल गाइडलाइंस होती है वही फॉलो करे होना चाहिए, आइडियली ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, पर होता नहीं है, स्पेशली जब फैमिली बड़ी हो, दादा दादी हो, बर्नआउट बहुत होता है। तो दर्शक मित्रों, जैसे डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि आप माता पिता जो भी हैं बच्चों के, तो वो झगड़ा ना करें, और करें उनकी भी छूट दे रखी है, लेकिन वो अलग से करें, तो बच्चों के सामने ना करें, बच्चों के सामने ना करें, ये तो एक रूल आपको फॉलो करना चाहिए, तो आपकी जो संस्कार जो है वो अच्छे से निभा सके और बच्चों के लालन पालन में कोई कमी ना महसूस हो। एक दूसरा सवाल है मेरा, हमारा लड़का हाथ पैर से दिव्यांग है, उसकी सोच साफ करने के लिए, मतलब मल जो साफ करने के लिए हमें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो ये बिकॉज वो दिव्यांगता के वजह से बच्चा अपने आप नहीं कर सकता है, तो डिपेंडेंट हो जाता है किसी पे,
और खास करके घर में तो माँ बाप किसी और होता नहीं है। जो साधारण परिवार की अगर हम बात करें, बड़े परिवार में हो सकते हैं नौकर चाकर हो, लेकिन साधारण परिवार में माँ बाप को माता पिता को देखना पड़े, तो इस परिस्थिति को कैसे एड्रेस किया जाए? इस परिस्थिति में आप क्या करें कि पहले तो जैसे अभी बात करी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, आप अपने भी टर्म्स बना लीजिए कि एक दिन आप करेंगे, एक दिन आपका हस्बैंड करेगा, ठीक है। अगर घर में कोई और एल्डरली है या भाभी है, वो अगर हेल्प कर सके तो उनकी भी हेल्प लीजिए आप, ठीक है। अभी तो बहुत अच्छे, जब बच्चा छोटा है तो माँ बाप ही तो उनकी सेवा करते हैं, तो यही सोच रखे कि मेरा बच्चा अभी भी छोटा है, ये अगर सोच रखे तो उनको कोई चीज करने में दिक्कत नहीं। और अभी तो क्या है कि बहुत अच्छे डाइपर भी मिलते हैं, एडल्ट डाइपर, ठीक है ना, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, बच्चों का डिसिप्लिन आप उस तरह से करो, जैसे उनको फिक्स टाइम पे हर रोज टॉयलेट में ले जाना, दिन में 2 बार, ठीक है। तो अगर आप लंबे समय के लिए इसको फॉलो करोगे तो बच्चा ऑटोमेटिक ट्रेन हो जाएगा, हमारे बॉडी का रूटीन भी ट्रेन हो जाता है ऐसे ही। दूसरा, आप क्या कर सकते हो कि बहुत, अभी जो हम गैजेट्स की बात करें तो टॉयलेट्स भी ऐसे बहुत अलग तरह के मिलते हैं। हाँ, सही बात है, जो ठीक है ना, ऐसे डिसेबल फ्रेंडली, होते हैं टॉयलेट्स, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो वो शौच साफ करने में एक नहीं अच्छा लगना, ये फीलिंग इज क्वाइट ओके, इट इज नॉर्मल, ओके। तो उसके लिए आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, बस उसको अलग तरीके से हैंडल करने के व्यूज ढूंढ निकालिए आप, क्या उसको अलग तरीके से कैसे हैंडल करें। और अपनों के लिए जब करना होता है तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सोच अगर है तो बदलनी चाहिए, क्योंकि अपना बच्चा है तो अपने बच्चों के माँ बाप नहीं करेंगे। वो क्या होता है, छोटा बच्चा होता है तब तक ठीक है, पर बच्चा बड़ा हो जाता है और तब करने का आता है, तब उसकी क्वांटिटी वगैरह सब बढ़ जाता है, तो आई थिंक ये डिफिकल्टी। सही बात है, लेकिन ये फिर भी माँ बाप का ही दायित्व है, मैं तो ये मानता हूँ। एक अहम सवाल है डॉक्टर नीरव मेहता से कि मेरी एक सवाल है मेरा, मेरी पत्नी पिछले 6 महीने से हताश होकर रोती रहती है, एक ऐसा एक वाक्य है, एक इंसिडेंट है, दिव्यांग बच्चा 10 साल का हो गया, ईश्वर ने हमें ही क्यों ऐसा बालक दिया, उसे आत्महत्या का भी विचार आता है। तो हमने कई बार ऐसा पेपर में पढ़ा है कि बच्चा दिव्यांग है तो माँ बाप ने खुद आत्महत्या करके बच्चे को मार डाला, तो ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये परिस्थिति बहुत आम है कि ये एक हर रोज एक ही चीज करना, जो बच्चा दिव्यांग है, फिजिकली दिव्यांग है तो वो समझ से अपने आप करवा लेगा, फिजिकली है, मेंटली चैलेंज नहीं है, तो अगर मेंटली चैलेंज है तो वो उसमें भी रेजिस्ट करेगा सब चीज़ों में। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर मदर को बर्डन ज़्यादा हो रहा है तो पहली चीज़ की डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मदर के पूरे ऊपर आप दबाव मत लो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए सभी फादर को, दोनों को एक दूसरे को सुनना है, पहले मदर को फादर की बात सुननी है, फादर उनको अपने आप में बात करनी है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो बर्नआउट जो होता है ना, जो एक फीलिंग होती है कि मेरे साथ ही क्यों है, वो अपने आप अंदर अंदर शेयर हो जाएगी। दूसरा, अगर वो खुद बात नहीं कर सकते हैं और समझो कि फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो देर आर गुड पीपल इन अवर सोसाइटी, हमारे समाज में अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे काउंसलर्स हैं, जैसे एनजीओज वाले हैं, तो उनसे बात करिए कि भाई, तो बात करने से एक तो पहले मन हल्का होता है, दूसरा शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी आत्महत्या का विचार आता है, दैट इज अ क्राई फॉर हेल्प, दूर भागने वाली बात नहीं, दैट इज अ क्राई फॉर हेल्प, मैं ऐसे दूसरा मानूंगा कि भाई ये एक मदद की गुहार है कि भाई हमें बचाओ। तो अगर वो शॉर्ट टर्म है, ट्रांजिएंट है, थोड़े थोड़े टाइम में आते चले जाता है, तो वो हमारे हिसाब से बातचीत से या बर्नआउट होने से, निकल जाने से वो कम हो सकता है। अगर समझो कि वो लंबे अरसे तक चले और लंबे अरसे तक मदर है या फादर है कोई भी मरने की बात किया करे, तो अपोजिट स्पाउस पर्सन को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये हकीकत भी हो सकती है, वो हकीकत में ऐसा कर सकता है या कर सकती है। Correct. और उसका अपने जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं या कोई भी काउंसलर होता है तो उससे बात करो और उसका सॉल्यूशन निकालो। Correct. और उसमें हमको काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, बिहेवियर, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, फैमिली ओरिएंटेड साइकोथेरेपी,
कि सब लोगों को बैठ के समझाएं कि भाई जवाबदारी करें। तो मैं ये मानता हूँ कि जब तक वास्तविकता का स्वीकार नहीं करें माता पिता, तब तक ये सॉल्यूशन आना थोड़ा सा कठिन जरूर है। एक बार ये वास्तविकता स्वीकार कर ले कि ये जो है वो है, यस, तो ऑटोमेटिकली जो एटीट्यूड है उसका, जो एटीट्यूड है टोटली एक अलग हो जाएगा। पर इट टेक्स टाइम फॉर दैट, बहुत टाइम शायद अंत तक नहीं आए वो। भले हमको ऐसे दिखावे के लिए दिखा सकते हैं कि हमने ये वास्तविकता स्वीकार कर लिया, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, बट ओवर अ पीरियड ओनली टाइम इज द बेस्ट हीलर। एक और एक सवाल है सर आपसे कि एक 20 साल का लड़का है जो पोलियो ग्रस्त है और लेकिन होशियार है, जो घर पर रहकर भी कंप्यूटर का काम कर सके, क्या उसकी शादी एक दिव्यांग लड़की से हो सकती है? तो ये बेसिकली इसमें दो प्रश्न है, एक तो वो घर पे बैठ के कर सकता है तो इसमें तो हाँ भरी जाएगी, तो क्योंकि आते हैं वर्ल्ड इतना एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, तो बैठे बैठे तो हर काम वो कर सकता है। बात रही शादी की, तो दिव्यांगता कोई शादी के लिए रुकावट तो नहीं है, ये मेरा मानना है। देखो, दिव्यांगता शादी की रुकावट नहीं है, लेकिन इसमें हम बोलेंगे कि अगर पोलियो है वो एक्वायर्ड है, कि वो पोलियो की वैक्सीन नहीं लेने से हुआ है, तो समझो कि लड़की ऐसी मिले कि जो पोलियो वाले बच्चे के लड़के के साथ शादी करना चाहती है तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो ये एक्वायर्ड जेनेटिक एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी है, लेकिन जो जेनेटिक डिफॉर्मिटीज होती हैं उसमें हम ऐसे एडवाइस करेंगे कि भाई जेनेटिक काउंसलिंग करें, और अगर जेनेटिक काउंसलिंग करने के बाद ऐसा लगे कि भाई ये जेनेटिकली आगे बढ़ सकती है तो ऐसी जगह शादी करें जहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं तो एकदम सही रही है, नहीं तो 100% 200% वो जीन्स में आएगा और वो बच्चे को भी होगा और चार गुना 5 गुना 6 गुना आगे बढ़ेगा, पास ऑन होगा। एक दूसरा सिचुएशन है, हमारा 3 साल का एक बच्चा है, सेरेब्रल पाल्सी है, हमें एक नॉर्मल बच्चा चाहिए। दूसरे बच्चे की बात करें तो एक बच्चा तो सेरेब्रल पाल्सी है, उससे वो पीड़ित है, और यदि दूसरा बालक भी ऐसा हो, ऐसा ही आया, तो इसलिए वो थोड़े कश्मकश में है कि भाई दूसरा बच्चा लाना चाहिए, अगर उनको फर्दर प्लानिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में क्या कहूँगा? हाँ, इसके बारे में ऐसा बोलेंगे, अभी नीरव भाई ने बताया कि जेनेटिक काउंसलिंग का मेजर रोल है। अगर आप पहले बच्चे का भी सारा क्रोमोसोमल रिपोर्ट निकाल लीजिए, पेरेंट्स अपने दोनों का भी निकाल दें, और अगर आए कि ये डिफॉर्मिटी जो आई है बच्चे को, ये जेनेटिक कॉज की वजह से आई है, तो आप सोचिए दूसरे बच्चे लाने में रुक जाइए, ठीक है? पर हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार सेरिब्रल पाल्सी बच्चे को बर्थ के बाद अगर सीजर्स आ जाए, या कोई साइटोमेगालो वायरस है, मतलब बहुत सारे और वायरसेस का इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से हुआ है, और आप दोनों का जेनेटिकली सब नॉर्मल है, तो थोड़ा डर लगता है, पर आप जरूर आगे बढ़ सकते हो। अभी तो टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो कि मदर के वूम के अंदर भी जो बच्चा है बहुत अर्ली स्टेज में, उसको अगर डायग्नोस करते हो कि ये इश्यूज है, वो भी लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी मतलब इन्वेंशंस हुए हैं। मतलब इतना ध्यान रखना है कि ये पहले बच्चे की पूरी प्रेगनेंसी आपकी कैसी रही थी, उसमें आपको कोई बीमारी नहीं थी, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था, तब सब रिपोर्ट करवाए थे, मतलब पोस्ट बर्थ अगर उसको हुआ है तो वो हमारे बहुत कंट्रोल में शायद नहीं है, पर जितना हम कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर, 14 साल का एक बच्चा है, दिव्यांग बहुत होशियार है, दूसरा बालक नॉर्मल है, दिव्यांग बच्चा है, उसको हमेशा नॉर्मल बच्चे की ईर्ष्या होती है, एक नेचुरल फिनोमेना है, तो वो उसकी तुलना करता रहता है, वो खुद ही दुखी होता रहता है और दूसरे को भी दुखी करता है। देखो, ये जो प्रश्न है ना, वो आम नॉर्मल चीज़ों नॉर्मल बच्चों में भी होता है, कि एक थोड़ा पढ़ाई में अच्छा होता है, थोड़ा पढ़ाई में ऐसे बाह्य देखाव में भी होता है कि भाई ये लड़की अच्छी, सिबलिंग राइवलरी बराबर है, तो हम ऐसा मानते हैं कि इसमें भी यही प्रश्न आएगा कि उनको सुनना पड़ेगा, वो जो उनके दिमाग में लघुता ग्रंथि हुई है वो उसको प्रोत्साहित करके वो लघुता ग्रंथि कम करो, और उसको एहसास कराओ कि भाई उसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं भी है कि जो वो हाईलाइट करके वो बच्चे से आगे बढ़ सकता है। तो उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस प्रोज एंड कॉन्स हमको बताना पड़ेगा कि भाई ये बच्चा जो दिव्यांग बच्चा है उसमें भी कुछ ऐसी चीजें होगी कि जो हम हाईलाइट करके उसको और सेल्फ मोटिवेशन करके उसको मजबूत बना के ये चीज हम दूर कर सके। तो एक्टिव लिसनिंग हर बच्चे के साथ करनी चाहिए। मैं वो
प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे तो हम कार्यक्रम के अंत की ओर आ रहे हैं। तो एक दो सवाल है मेरे। एक तो डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया जहाँ पर आप आए हो, और तो ये यहाँ पर निःशुल्क सेवा दी जाती है बच्चों को, और काफ़ी अरसों से ये इंस्टीट्यूशन चली आ रही है, तो मैं चाहता हूँ एक प्रतिभा आप दोनों व्यक्ति इंस्टीट्यूशन के बारे में दें। देखो, ये जो डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक बहुत अच्छी संस्था है कि जो जिसमें सेल्फ एक बट माँ बाप, तो देखो मैं ऐसा बोलूँगा कि माँ बाप जो बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, देट इज़ ड्यू टू जेनेटिक सेल्फिशनेस। बराबर है कि उनके जीन्स आगे बढ़ाने हैं, लेकिन ये जो ट्रस्ट ये जो कर रहा है उसमें कोई ऐसी सेल्फिशनेस है नहीं, स्वार्थीपना है नहीं। जस्ट दिस ट्रस्ट और आप लोग जो भी इधर काम कर रहे हो वो अपना खून पसीना बच्चों के ध्यान रखने में रख रहे हो। जो माँ बाप नहीं कर सकते वो आप करते हो, तो वो सब ये जो आपका काम है वो हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया है। दैट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। थैंक यू वेरी मच सर। मैडम, लास्ट में एक संदेश चाहता हूँ आपसे कि हाँ। जैसे हमने काफ़ी बारीकी में चर्चा वगैरह की, एक जनरल संदेश है ऐसे बच्चों के माँ बाप के लिए। माँ बाप के लिए मैं ऐसा ही बताऊंगी कि आप ऐसा मत रखो कि आपका बच्चा दिव्यांग है, उसका लालन पालन भी ऐसे ही करो जैसे आप अपने दूसरे नॉर्मल बच्चों का कर रहे हो। ठीक है, समाज में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो दिव्यांग है फिर भी बहुत अच्छी ऊंचाई पे है, बहुत आगे बढ़े हुए है, तो आपका बच्चा भी ऐसा कर सकता है। बराबर है, सिर्फ उसको ह्यूमिलिएट मत करो, कैसे भी करके उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, उसका मोटिवेशन बढ़े और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए, इंडिपेंडेंट हो पाए, ऐसा आप प्रयत्न करो। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ आज दो मनोचिकित्सक जुड़े हुए थे, डॉक्टर नमिता गंजावाला और डॉक्टर नीरव मेहता। दोनों ने काफ़ी बारीकी में अलग अलग पहलुओं के बारे में चर्चा की, अलग अलग इंसिडेंट्स के बारे में चर्चा की, अलग अलग परिस्थितियों के बारे में चर्चा की, और काफ़ी ज्ञान उन्होंने बटोरा है आज। तो मैं दोनों को अभिवादन करूँगा हमारे चैनल के माध्यम से, उन्होंने अच्छा एक प्रचार किया, काफ़ी ज्ञान बटोरा। और ये कार्यक्रम यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, दोबारा उपस्थित होंगे हेल्थ प्लस के एक नए कार्यक्रम में विशेष व्यक्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।